मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। ठाणे खारे टोल नाके ब्रिज के पास में कल रात के समय एक बाइक सवार व्यक्ति एक गाड़ी की चपेट में आ गया और घटना स्थल पर ही इसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और यहाँ मुंबई में परेल इलाके में HDFC बैंक में कार्यरत था। कल रात के समय ये मुंबई से लौट रहा था और उसी दौरान खारेगांव टोल नाके के पास एक गाड़ी के चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई है। रेलवे पुलिस ने बताया है कि हादसा डोंबिवली के पास में हुआ है। लड़की और उसके माता पिता ये तीनों लोग पवन एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे, तभी लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ने की वजह से लड़की सीट से उठकर गेट के पास चली गई, मगर गेट पर इस लड़की का संतुलन बिगड़ने की वजह से चलती ट्रेन से ये लड़की नीचे गिर गई। मुंबई से वाराणसी आ रहे एक विमान में 6 महीने के एक बच्चे की जान चली गई है। परिजनों के अनुसार विमान में बैठने के समय बच्चा ठीक था, मगर उड़ान भरने के दौरान ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और तबीयत बिगड़ने लगी। आधे घंटे के अंदर ही इस बच्चे की जान चली गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद डॉक्टरों ने इस बच्चे को पीलियाग्रस्त बताया है। मुंबई के एक चौल में रहने वाले एक 16 साल के बच्चे ने अपने पिता की ही हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक शराबी पति अपनी पत्नी के साथ हर रोज मारपीट करता था। रोज रोज के मारपीट से बेटा तंग आ चुका था और शराब के नशे में पति घर आया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, मगर बेटा अपने माँ को पीटता हुआ देख ये बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर अपने पिता की जान ले ली। मुंबई में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें सवार दो बच्चों की जान चली गई है। घटना बोरेवली में हुई है। प्रवेंद्र कुमार गुप्ता अपनी बीवी और दो बच्चों को ऑटो रिक्शा में बिठा कर कहीं जा रहे थे और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनके ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें सवार दोनों बच्चों की मौत हो गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।